अगली खबर है बुरहानपुर से। बुरहानपुर जिले में लगातार बारिश ने सरकार की अमृत योजना की पोल खोल कर रख दी है। करोड़ों रुपए की अमृत योजना का काम शहर की बनी बनाई रोड खोद कर करने के बाद भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। ज्ञात हो इस योजना के अंतर्गत शहर का गंदा पानी अंडरग्राउंड सीवरेज के माध्यम से बिछाई गई पाइपलाइन से शहर के बाहर निकलना और नई पाइपलाइन के माध्यम से घर घर स्वच्छ आरओ वाटर पहुंचाना है। लगातार बारिश का दौर जारी है जिसके कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं और कई रास्ते जलभराव के कारण आवागमन करने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। पानी के कारण नाकाबंदी जैसे हालात हो गए हैं, लोगों के घरों के पास पानी जमा हो गया है। लगभग 2 घंटे की बारिश से शनवारा, बुधवारा, इतवारा लोहार मंडी, सिंधीपुरा, आलमगंज मंडी, बाजार आदि क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। लोगों के घरों और दुकानों के पास काफी पानी जमा हो गया है जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। शहर के नालों की सफाई ना होने के कारण शहर के अंदरूनी मार्गों पर तालाब जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि लगातार 5 वर्षों से निगम प्रशासन की देखरेख में शहर में अमृत योजना का काम अब भी अधूरा ही पड़ा है और निगम चुनाव के बाद भी अब तक परिषद नहीं बन पाई है। हालात यह है कि 2 घंटे की बारिश से शासन की अमृत योजना की पोल खुल गई। जिले में विपक्ष की निष्क्रियता और सत्ताधारी पार्टी के नेता अपने में मस्त हैं। मुख्य सभी बड़े हैं।